हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल साठे। आज हम इस एपिसोड में पुराने घी के फ़ायदे क्या हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। घी जैसे कि हम सब जानते हैं कि कितना गुणकारी होता है। घी किसी भी दूध से बनाया जा सकता है, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, या फिर कैमल का हो, या किसी और जानवर का। लेकिन ज़्यादातर गाय का और भैंस का घी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें गाय का जो घी होता है वो ज़्यादा गुणकारी होता है। सारे जो घी होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा गुणकारी गाय का घी माना जाता है। भैंस के तुलना में गाय का जो घी होता है वो उसमें फैट्स कम होते हैं, वो पचने में हल्का होता है भैंस के घी के मुकाबले, और वो ज़्यादा क्वालिटी में अच्छा माना जाता है। घी शक्तिवर्धक होता है। आयुर्वेद में घी को पुत्रदाता कहा जाता है, और घी आयुष्य को भी बढ़ाता है। आजकल का जो पीरियड है, आजकल का जो टाइम है, वो ऐसा है कि हर प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट लिखी जाती है, और हम मानते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ये मानने लगे हैं कि अगर कोई चीज़ पुरानी हो जाए तो वो ख़राब हो जाती है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि घी के साथ ऐसा नहीं है। घी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस में है जो कि पुराने होने पर और भी ज़्यादा गुणकारी हो जाता है। गाय के घी को स्टोर करने का तरीका ये होता है, उसे मिट्टी के बर्तन में स्टोर करें और उसे कपड़ा बांध कर करके, एयर टाइट कर करके किसी साफ जगह पर रख छोड़ें, और इस तरह से जो स्टोर किया हुआ घी होता है एयर टाइट ढंग से, अगर एक साल तक स्टोर किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी हो जाता है। इतना ही नहीं, 10 साल तक पुराना जो घी होता है इस तरह से स्टोर किया हुआ, उसे पुराना घृत कहा जाता है। 10 साल से पुराना जो घी होता है वो रसायन हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। वो घी नहीं रहता है, वो खाद्य पदार्थ नहीं रहता है, वो रसायन हो जाता है। वो और भी ज़्यादा गुणकारी हो जाता है। एस्पेशली इससे मेंटल डिसीज़ क्योर किए जाते हैं, जैसे कि किसी को एपिलेप्सी का प्रॉब्लम हो, जिसे मिर्गी कहा जाता है, या किसी को किसी में अगर डेमन घुस जाता है, या कहते हैं ना जिसमें भूत घुस जाता है किसी में, तो ऐसे जो मेंटल इश्यूज होते हैं उसमें, या फिर किसी को उन्माद का प्रॉब्लम है जिसमें ओवर एक्साइटमेंट होता है, या फिर कोई और मेंटल समस्या है, या फिर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया होता है और डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, ये सारे मेंटल प्रॉब्लम्स है, या फिर पागलपन है, ये सारे मेंटल इश्यूज़ जो है वो ऐसे पुराने घृत से ठीक किए जाते हैं। इसमें यूजुअली डोसेज होता है 5 बूंद से लेकर के 2 चम्मच तक। इसमें बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि ये घी उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि नाक में बूंद टपकाई जाती है, या फिर इस पुराने घी से मसाज किया जाता है। इस घी का ओरल भी डोसेज दिया जाता है, 5 बूंद से लेकर के 2 चम्मच तक, आदमी के क्षमता के अनुसार, या फिर इसकी बस्ती भी दी जाती है, यानी कि इसका एनिमा भी दिया जाता है। 111 साल पुराना जो गाय का घी होता है उसे कौंभ घृत कहा जाता है, और इससे भी अगर पुराना घी हो तो वो और भी उत्तम होता है, उसे महाघृत कहा जाता है। कौंभ घृत और महाघृत से, यानी 111 साल या उससे ज़्यादा पुराने घी अगर हो, तो दुनिया में ऐसा कोई डिसीज़ नहीं है जो उससे क्योर नहीं किया जा सकता है, बिकॉज़ फिर वो और भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उससे मेंटल डिसीजेस तो ठीक होते ही है, लेकिन वो विषनाशक हो जाता है, और उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वालिटीज़ हो जाती है, और उसके एप्लीकेशन बहुत वाइड है,
उससे स्किन डिसीजेज ठीक किए जाते हैं, उससे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स ठीक किए जाते हैं, उससे अगर कोई पॉइजनिंग हुआ है तो वो ठीक किया जाता है। और कहा जाता है कि दुनिया में ऐसा कोई डिसीज़ नहीं है जो ऐसे घी से ठीक नहीं किया जा सकता हो। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस एपिसोड को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये जो बेल आइकन है यहाँ पे कहीं पे नीचे, उसे दबाना मत भूलिएगा। अगले बार हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय।